हेलो दोस्तों, तो इस बार आप लोगों ने मुझे रेकमेंड की थी 2017 की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी शॉक वेव, जिसमें एंडी लाओ मिलेंगे एस चोंग, जिया सोंग एस कार्मन ली और वू जियांग एस पेंग होंग। तो अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि चोंग एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए बॉम्ब्स बनाता है जिसके लीडर पेंग होंग और उसका भाई है, बट चोंग असलियत में एक अंडरकवर पुलिसमैन है जो कि एक बैंक हाइस्ट के दौरान मूवी के स्टार्ट में ही पेंग होंग के भाई को गिरफ्तार कर लेता है। अब 1.5 साल बाद पेंग होंग की वापसी होती है और वो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट टनल्स के दोनों एंड पे 1000 किलो के एक्सप्लोजिव लगाकर टनल में रुकी हुई गाड़ियों के करीब 500 पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेता है। और उसकी डिमांड सिर्फ दो हैं कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए, जिसे कि 1.5 साल पहले ऑफिसर चोंग ने गिरफ्तार किया था, और दूसरी डिमांड ऑफिसर चोंग खुद। तो क्या पेंग होंग की डिमांड्स पूरी होती है या ऑफिसर चोंग उसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे, या पेंग होंग उस टनल को तबाह कर देगा, क्या पेंग होंग ऑफिसर चोंग से अपना बदला ले पाएगा, इन्हीं सब सवालों के जवाब देती है ये मूवी शॉक वेव। तो अब बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट्स की। सबसे पहले, मूवी बहुत फास्ट पेस्ड है और अगर आपको थ्रिलर मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मूवी पूरी तरीके से ऑफिसर चोंग के इर्द गिर्द घूमती है, तो एंड तक जाते जाते आपको उससे अटैचमेंट जैसा ज़रूर फील होगा। अगला प्लस पॉइंट ये है कि मूवी में यूज़ किए गए CGI एक्सप्लोजन्स बेहद कमाल के हैं, स्पेशली मूवी का सबसे आखिरी एक्सप्लोजन। इतना रियलिस्टिक एक्सप्लोजन्स मैंने बहुत कम मूवीज़ में देखे हैं। माइनस पॉइंट्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी के सेंटर ऑफिसर चोंग हैं, तो इसी रीज़न की वजह से आप बाकी के मेन कैरेक्टर्स के साथ बहुत कम कनेक्ट कर पाओगे, जैसे कि जिया सोंग के कैरेक्टर कार्मन ली से, जो कि ऑफिसर चोंग की गर्लफ्रेंड है। अगला माइनस पॉइंट ये है कि पेंग होंग और ऑफिसर चोंग की दुश्मनी जस्टिफाइड नहीं लगी है, और इस पॉइंट पे डायरेक्टर फेल हो जाते हैं इनकी दुश्मनी एस्टैब्लिश करने में। अगला माइनस पॉइंट ये है कि कुछ कुछ पार्ट्स में मुझे लॉजिक नहीं मिला है, जैसे कि टेररिस्ट अटैक के बीच में पुलिस वालों के लिए साइकियाट्रिस्ट को बुलाना ताकि वो उनका साइक इवैल्यूएशन कर पाए। मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें। 500 लोगों की जान खतरे में है और आप ऑन साइट साइकियाट्रिस्ट बुला रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट खैर, ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉच तो ज़रूर है और मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 10 में से 6। तो इस रिव्यू में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसके बाद आप लोग ये मूवी ज़रूर देखेंगे। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप लोग इस वीडियो में इतना एंड तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाना। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।